Hello and welcome to my channel Simple Dishes with Lipika. आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन ड्राई. इसे हम एज अ स्टार्टर और साइड डिश के हिसाब से भी ले सकते हैं. इंडो चाइनीज डिश में चिली चिकन के बाद अगर कोई डिश फेमस है तो चिकन मंचूरियन. ये थोड़ा स्वीट होता है टेस्ट में. तो चलिए देख लेते हैं इसे हम घर पे कैसे बनाएं. हमें इसे बनाने के लिए चिकन चाहिए. मैंने चिकन्स को बोनलेस क्यूब्स में काट लिया है. अब इसमें नमक, काली मिर्च और 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और एग वाइट डाल दूंगी. एक अंडे का जो सफ़ेद वाला वाइट पोर्शन है उसे डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. मिक्स हो गया. अब हम साइड में एक कढ़ाई में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है पहले से. अब यहाँ से एक एक चिकन के पीसेस लेंगे और तेल में हम इस तरीके से छोड़ते जाएंगे. तेल को पहले बहुत ज़्यादा गरम कर लेंगे, फिर मीडियम फ्लेम में हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे. डीप फ्राई करना है हमें चिकन पीसेस को. जितना स्पेस रहेगा उतना ही डालें. एक्सेसिव यहाँ पे चिकन पीसेस डालने की ज़रूरत नहीं है. और हम इस तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे. ये देखिए एक दूसरे के साथ यहाँ पे स्टिक हो गया ना, तो इसे हमें यहाँ पे ऐसे छुड़वा लेना है फ्राई करते वक्त. आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए. हमें चिकन को गोल्डन फ्राई और क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करना है इस तरीके से. ये देखिए ऑलमोस्ट गोल्डन फ्राई हो गया है. अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे और एक स्ट्रेनर या जाली वाला कुछ भी रहेगा उस पर आप इस तरीके से रख दीजिए. और दूसरे पैचेस के जो चिकन है उसे भी हम सेम तरीके से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे. चिकन हमारा फ्राई हो गया है. अब हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे. हमें यहाँ पे मंचूरियन का सॉस बनाना है और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक डालूंगी और साथ में 1 टेबल स्पून जिंजर. उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में चॉप करके डालना है. इसे थोड़े देर के लिए हम यहाँ पे स्टर कर लेंगे. बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का सा स्टर फ्राई करना है. फिर यहाँ पे डालेंगे अनियन. प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और उसके पेटल्स भी हमने अलग कर लिया है. इसे भी थोड़े देर के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे कैप्सिकम और बेल पेपर्स. आपके पास खाली कैप्सिकम है तो आप उसी का ही बना सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रेड, येलो सारे बेल पेपर्स का यूज करना है. हमें वेजिटेबल्स को क्रंची रखना है, इसलिए हम हाई फ्लेम पे ही स्टर फ्राई करेंगे. अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल देंगे और थोड़ा सा पानी. फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे. मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर का यूज़ करेंगे, कश्मीरी लाल. इससे कलर अच्छा आएगा. और थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक पेपर, काले मिर्च का पाउडर डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे. यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है. आपको चाहिए तो आप टेस्ट करके बाद में डाल सकते हैं. हम यहाँ पे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के साथ 4-5 टेबलस्पून पानी डालकर एक स्लरी बनाकर मिक्स करके रख देंगे. और यहाँ पे देखिए बॉईल आ गया है सॉस में, तो हम यहाँ पे जो फ्राइड चिकन था उसे यहाँ पे डाल देंगे. मिक्स कर लेंगे अब इसे अच्छी तरह से. और जो स्लरी था उसे हम 1-1 टीस्पून कर डालेंगे. ऊपर से सब एक साथ नहीं डालेंगे, फिर डालने के साथ साथ हमें इसे मिक्स भी करते जाना है. कंटिन्यूअसली हम इसे स्टर करते जाएंगे कि जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए. देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे. आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए. रेसिपी को ट्राई कीजिए. रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये सिंपल सी रेसिपी एकदम झटपट से बन जाती है और सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही अवेलेबल रहता है हम लोगों का. स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा स्प्रिंकल करके सर्व कीजिए और गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए. सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मुझे सपोर्ट कीजिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.